कस्टमर जो पेट काट के अपने बच्चों का पेट काट के 2,000, 3,000, 5,000 रुपये देता है, वो एलईडी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पैसे आपसे ले ले मैकेनिक। जो पेट काट के है अपने बच्चों का और वो पैसे भरता है वहाँ पे, उसकी मजबूरी होती है, वो सिर्फ रो सकता है या फिर एक नया एलईडी ला सकता है, उसके पास कोई चारा नहीं होता भाई। भ्रष्टाचार लंबा है, किस्सा लंबा है, तो वीडियो भी लंबी होनी है, तो दोस्तों में शेयर कर देना, रिश्तेदारों में शेयर कर देना, कोई रिश्तेदार कोई दोस्त आपका ना लूटे पिटे, और शेयर कर दोगे ना तो ये मेरी ईमानदारी से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मेरे लिए इनाम होगा बस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगेगा मैं भुगत चुका हूँ इस चीज़ को, इसीलिए दिल से बना रहा हूँ। वीडियो देखो यार। होता क्या है एक कस्टमर के साथ, जो एक गरीब कस्टमर है जो किस्तों पे एक एलईडी लेके आया था और उसके बाद वो धीरे धीरे किस्त भर रहा है, चैनल वाले हैं उसको कैसे लूटते हैं ना भाई, आप भी देखो कैसे लूटते हैं यार। ये जो एलईडी है वो 40 इंच का एलईडी है और वीडियो कॉन का एलईडी है, और इसका है कोफ ख़राब। सिचुएशन दिखा देता हूँ मैं, ऑन करके स्टार्ट कर दिया है टीवी, अभी स्क्रीन पे एक सेकंड दो सेकंड के लिए कुछ आएगा। ये देखो आप, ये पट्टियाँ दिख रही हैं आपको, ये इसका कोप ख़राब है, ये कोप इसका जला हुआ है, आप ध्यान से देख लो, ये कोप जला हुआ है और इसमें ऐसे 6 कोप हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अब इस कोप को जो ये जले हुए हैं उसको जो हमारा मैकेनिक है, या मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं कस्टमर को रिकमेंड करूँगा, मैं कस्टमर को बोलूँगा कि ये कोफ ख़राब है हमारे और ये अब जाएगी कोफ बाइंडिंग मशीन पे, कोफ बाइंड होने, यानी कि कोफ को नया लगवाने के लिए हम इस पैनल को भेजेंगे मशीन पे, जो कोफ बाइंडिंग मशीन होती है आजकल, ये कोफ भी बाइंड होते हैं, ये देख लो ये वाले। लेकिन हमारी वीडियो स्टार्ट ही यहीं से होती है कि जो गोरख धंधा हो रहा है कोप बाइंडिंग के नाम का, वो ग्राहकों के साथ सरासर खिलवाड़ है। तो बोलूँगा कि ये कोप ख़राब है हमारे और ये अब जाएगी कोप बाइंडिंग मशीन पे, कोप बाइंड होने, यानी कि कोप को नया लगवाने के लिए हम इस पैनल को भेजेंगे मशीन पे, जो कोप बाइंडिंग मशीन होती है आजकल, ये कोप भी बाइंड होते हैं, ये देख लो ये वाले। लेकिन हमारी वीडियो स्टार्ट ही यहीं से होती है कि जो गोरख धंधा हो रहा है कोप बाइंडिंग के नाम का, वो ग्राहकों के साथ सरासर खिलवाड़ है। ये आप देख रहे होंगे, ये एलईडी का एक स्केलर है, स्केलर मतलब समझ तो पैनल के ऊपर लगने वाली फट्टी, यहाँ पे लगता है हमारा LVDS, और ये आज बात करेंगे इसके बारे में, इसकी वजह से कितना लूटा जा रहा है कस्टमर को। दुकानदार अपने पैसे बचा लेता है, जो कोफ बाइंडिंग करने वाली मशीन है जो हम ले जाते हैं बाइंडर के पास, वो अपने पैसे बचा लेता है, लेकिन कस्टमर बहुत परेशान होता है इसे लगा के। जब ये ख़राब हो जाता है, ये किसी में एक लगा होता है, दो लगे होते हैं, जैसे फट्टी स्केलर में ये दो लग रहे हैं, और किसी किसी में बहुत सारे भी लगे होते हैं। जब ये ख़राब हो जाता है तो फॉल्ट क्या आता है, जो लाइनें आप देख रहे होंगे आपके एलईडी में, एक लाइन आ गई, दो लाइन आ गई, ऐसी लाइन आ जाती है तो साइड कोफ ख़राब होती है, इसको बोलते हैं कोफ। इसमें एक आईसी लगी होगी, आप देख रहे होंगे बीच में ये दिख रहा है ना आपको, ये है आईसी, और हर कोफ का एक नंबर भी होता है। यस, ऐसे लाइन आ गई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या ब्लैक हो गया बीच में से, आधा पर्दा आ रहा है, कुछ भी A to Z, अगर एलईडी को खांसी जुकाम बुखार जो होता है तो 90% इसकी वजह से होता है, ये फिल्म की वजह से, ये आईसी कोप की वजह से होता है। और मैकेनिक के पास ले जाओगे वो बोलेगा जी कोप लगेगा आपकी एलईडी में, आपकी लाइन तो ठीक हो जाएगी, पर भाई यहीं सावधान होने की ज़रूरत है, कोप लगता है ना तो सिर्फ एलईडी एक दो महीने के लिए ठीक चलता है और फिर ख़राब हो जाता है आपका। कारण क्यों ख़राब हो जाता है वो मैं बताऊँगा, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं खुद लूट चुका हूँ 10 बार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसे देखने के बाद आप में से कोई कस्टमर नहीं लूटेगा। इसमें क्या है,
इसमें जो कोप लगवाता है ना कस्टमर वो कंगाल हो जाता है, और जो दुकानदार है वो थोड़ा बेहाल हो जाता है, और जो कोप लगाने वाला बंदा है वो मालामाल हो जाता है। उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक बारी कोप लगाएगा 2-3 हज़ार रुपये आपसे ले लेगा, अगले महीने फिर ख़राब हो जाएगा और फिर कहोगे भैया ये तो फिर लाइन आ गई, और फिर कोप लगाएगा और फिर पैसे ले लेगा। दुकानदार ये बोल देगा मैंने भैया एक महीने गारंटी ली थी, 1 महीना 5 दिन हो गए, 1 महीना 2 दिन हो गए आज, 1 महीना 10 दिन हो गया, अब तो पैसे देने पड़ेंगे। इसमें दुकानदार बीच में फंसता है सिर्फ कुछ पैसों के लालच में। अगर वो पहले ही क्लियर कर ले कि आपका एलईडी 2 या 3 महीने ही चलेगा या 5 महीने ही चलेगा, तो आप शायद कोप ना लगवाए। कस्टमर पागल नहीं है कोप लगवाने जाए, लगवाएगा ही नहीं। तो दुकानदार भी पागल है, मेरे जैसा दुकानदार भी पागल बन चुका है, पागल बनता है और पागल बनता रहेगा अगर कोप लगेगा तो। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसको, कस्टमर को। वो 2000-3000 रुपये दे के जा चुका है एक छोटी एलईडी के, और जो साइज में बड़ी एलईडी हैं उनके तो बहुत पैसे दे चुका होता है, और चलती कितनी है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने। कुछ एलईडी तो ऐसी हैं कि मैं ठीक करा के लाया और आते ही फिर लाइन आ गई, और उसके बाद कोप वाले भाई को फ़ोन किया तो बोलता है सचिन भाई मैंने तो ये लगाया था, ये वाले में प्रॉब्लम आई होगी। यार आप 60 रुपये पर इंच के हिसाब से ले रहे हो, पूरे एलईडी का कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हो, तो यार फिर ये और ये क्या रह गया, ये सारे तो आपके यज्ञ में आते हैं ना, सारे लगा देते भाई, अब एक ही लगाओगे क्या। एलईडी के पूरे के पैसे ले लिया आपने, 40 इंच का एलईडी है तो आपने पूरे की पैमाइश करके 40 इंच के हिसाब से मेरे से पैसे ले लिए। 80 रुपये पर इंच तक का एक कोप लगाते हैं, 40 इंच में 3200 रुपये दे के आया, और उसके बाद बोला कौन किस साइड लाइन आ रही है, मैंने कहा भैया इस साइड का तो मैंने लगाया नहीं था, एक लगाया था इधर आई है, तो भैया आपका बनता है ये तो फिर दूसरा लगेगा दोबारा पैसे। तो भैया यार 7000-9000 का तो मैं नया ही पैनल लगवा लेता भाई। लूट मार हो रही है, सिर्फ लूट मार कस्टमर के साथ, मीडिएटर बन रहा है दुकानदार कुछ पैसों के लालच में। दुकानदार को अपना हाथ बीच में से खींच लेना चाहिए। मैं 10 पैनल मार्केट से ठीक करा के लाऊँ, 10 में से 9 में प्रॉब्लम थी। अब मेरे पास कोई कस्टमर आता है मैं साफ बोलता हूँ भैया 2-4 महीने के लिए चलवाना है तो करवा देता हूँ, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो नया पैनल लगवा ले, नहीं तो मैं पैक करके वापसी दे रहा हूँ आपको, मुझे फ्री के पैसे नहीं चाहिए, कल के लिए मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। कि 2-3 महीने के लिए ठीक करा था सचिन भाई के पास एलईडी ले गया, 2 ही महीने चलाए यार, कहने के हकदार नहीं हूँ मैं, पहले ही क्लियर करके देता हूँ। और जो दुकानदार क्लियर नहीं करता वो पछताता भी है, रोता भी है, और कस्टमर भी खोता है, और कस्टमर का तो पैसा बर्बाद है भाई उसके। कस्टमर अगर एलईडी में रिपेयरिंग के 2000-3000 रुपए देता है ना, तो घर के कुछ खर्चे रोक के अपने बच्चों का पेट काट के वो दुकानदार को देता है, और दुकानदार उसके साथ इमोशनल नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, गेम खेल रहा है दुकानदार आपके गली का, आपके मोहल्ले का, आपके पड़ोस का, या फिर एक कॉलोनी का, गेम खेल रहा है आपके साथ में, सिर्फ पैसे ले लेता है, उसके बाद लुटाई चल रही है भाई, टोटल लुटाई। और ये दुकानदार भी नहीं लूट रहा, ये लूट रहे हैं कोप बाउंडिंग वाले जो मशीन लगा के बैठे हैं, 10-5 लाख की मशीन लगा के बैठे हैं, उनके पास खर्चे मैं मानता हूँ बिजली के बिल सब हैं, लेकिन जब हम पूरे पैनल के पैसे दे देते हैं, हमारा 50 इंच का पैनल है तो हम आपको 4000 रुपये कैश दे के आ रहे हैं एज ए दुकानदार, तो यार आप भी तो पूरे जो कोप हैं वो भी लगाओ ना यार। एक लगा दिया आपने, 1-10 दिन बाद दिक्कत आ गई तो यार इसका मालिक मैं थोड़ा ही हूँ, 4000 रुपये पूरे देखा आया हूँ ना, पूरे 4000 रुपये पूरे एक सेट के देखा आया हूँ ना 50 इंच के, तो यार पूरे ही कोप लगाओ ना भाई, एक क्यों लगा दिया। बोले एक तो ठीक था, अरे ठीक था तो फिर बदल देता भाई, जब तेरे पास ये कोप है तो ये भी तो होगा ना, ये वाला है तो ये भी होगा, दोनों ही बदल देता, पैसे क्या फ्री में लग रहे हैं। मैंने 4000 रुपये मैंने अपने दिए, कस्टमर से 4500 रुपये लिए, 500 रुपये के लालच में मैं पूरे दिन की दुकानदारी बंद करके कोप वाले की मशीन के पास खड़ा हूँ, भाई साहब कब मेरा नंबर आएगा। और जब नंबर आया तो उसके बाद ये खेल होता है, एक लगा दिया एक नहीं, घर आते ही फिर लाइन आ गई, लेफ्ट में तो हमने नया लगाया था, राइट में तो हमने नया लगाया था, जिस साइड आप बता दोगे लाइन आ रही है उस साइड बोल लगे उस साइड तो आपका ही कोप लगा हुआ है। ओ भैया 2 ही कोप थे तो लगा देता ना एक और 200-300-500 का पड़ता होगा, मैं 4000 देखा है यार तुझे, क्या क्या कीमत होगी इसकी, एलईडी की कीमत का तो नहीं है ना, 100-200-400-500 का आता होगा ना, आपने 4000 ले लिए यार,
500 का आया तो 500 इधर लगा देते, 500 1000 रुपये में 3000 तो कमा लिए थे ना आपने, मतलब घर में ही घुसोगे मेरे, मतलब सारे तुम ही कमा लोगे, आते ही लाइन आ जाए तो फिर भी सुनवाई नहीं है भाई, फिर भी पैसे ही लगेंगे, और सुनवाई भी है तो एक महीने की, एक महीने के एक दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद प्रॉब्लम आनी आनी है। निवेदन करता हूँ कोई LED रिपेयर कराए ना भाई, तो अपनी कोप बाइंडिंग का जब जिक्र आए ना तो अपने मैकेनिक को बोल लो मुझे पूरे कोप नए चाहिए, लगवा सकता तो लगवा, नहीं लगवा सकता तो सेट वापसी करके नया पैनल लगवा लेना। तो ये धोखाधड़ी है, ये दुकानदारों के साथ भी धोखाधड़ी है, कस्टमर के साथ भी धोखाधड़ी है। अगर आप जितने इंच का पैनल है उतने इंच के पैसे ले लेते हो और उसके बाद भी उसमें लेफ्ट राइट वाली बात करते हो कि लेफ्ट का कोप ख़राब हो गया होगा, ये हो तो हमने डाला ही नहीं, भाई डाला क्यों नहीं तूने, सारे डालना भाई, जब सारे पूरे ऑल पैनल के आप पैसे ले लेते हो तो कोप एक क्यों लगाते हो, दो तो दो लगाओ, तीन है तो तीन लगाओ। अब ये सोचो ना, मैं इस बंदे को अगर ये कोप डाल के दे दूँ और उसे 3000 रुपये ले लूँ और कल को ये ख़राब हो गया तो वो बंदा 3000 रुपये दोबारा देगा क्या, या फिर ये ख़राब हो गया देगा क्या? यार एक बारी लगाओ ना, एक बारी तुम पैसे ले लो ठीक से, 3000 की जगह आप 4 ले लो, जहाँ आप 60 रुपये इंच 70 रुपये इंच लेते हो वहाँ 100 रुपये इंच ले लो। लेकिन जितने भी कोप हैं, अब ये कोप अगर 6 साल पुराना है तो ये कोप भी तो 6 साल पुराना ही है, कमज़ोर तो ये भी हो चुका होगा या ये भी हो चुका होगा, आज ये ख़राब होएगा आप 3000 रुपये लेके इसे ठीक कर दोगे, महीने बाद ये हो जाएगा, फिर महीने बाद ये हो जाएगा, तो बंदा तो इसी में 20000 रुपये लगा देगा। और दुकानदार भी मिले हुए हैं ऐसे लोगों से, वो ले जाते हैं अपने कस्टमर को क्लियर करते ही नहीं है कि एक महीना चलेगा, ये 2 महीने चलेगा, वो 1 महीने गारंटी ले लेते हैं, उसके बाद 2 महीने बाद सेट हो गया, ख़राब हो गया, आ गया वो कह रहे यार उसमें तो लाइन आ गई भैया, वो फिर बंद हो गया, तो यार मैं क्या करूँ, बंद हो गया तो भैया पीछे से तो 1 महीने की गारंटी मिली थी ना, तो ठगा महसूस कौन करता है, कस्टमर, उसके 3000 रुपये जा चुके होते हैं। 32 इंच के पैनल से स्टार्ट कर लो, 2000 रुपये लगते हैं, उसके बाद जितना बड़ा पैनल होएगा उसमें उतने ही पैसे लगते जाएंगे, 90 रुपये पर इंच के हिसाब से या 80 रुपये पर इंच के हिसाब से। ओल्ड पैनल के आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और कोफ लगाया जाता है एक, जो आपका ख़राब है उस टाइम, दो ख़राब, 4-5 महीने से ज़्यादा कोप बाइंडिंग वाला सिस्टम, कोप वाला सिस्टम चलता ही नहीं है, 90% से 100% पैनलों में दोबारा वही फॉल्ट आ जाता है। तो भाई फिर रिपेयर ही क्यों करवाना, जब हम 3 या 4 हज़ार रुपये शुरू में रिपेयर में लगा सकते हैं, तो यार उससे डबल खर्च करके हम नया ही ना पैनल डलवा लेंगे। 32 इंच का पैनल अभी 5800 रुपये का डल रहा है, 40 इंच का पैनल अभी 7000 से 9000 रुपये के बीच में डल रहा है, 8000 का मार्केट में मिल जाता है आराम से, तो यार हम 3-3, 4-4 हज़ार रुपये कितने बार लगाएं फिर, एक बार ही ना डलवा ले, फिर काहे को हम कोप जाके वाइंड कराएं। तो भाई सजग हो जाओ, कस्टमर भी, कोई भी मैकेनिक आपको बोल ले आपके पैनल में ये लाइन आ रही है मैं ठीक करवा दूँगा, तो भाई 1-1.5 महीने से 2 महीने से ज़्यादा चलेगा ही नहीं, फिर लाइन आ जाएगी, कुछ दिनों बाद फिर लाइन आ जाएगी, फिर आप वही पैसे लगाते फिरोगे। इससे अच्छा है आप पैनल ही दूसरा लगवा लो उसमें, या फिर आप रिपेयरिंग ही ना करवाओ पैनल को। मैं इस सेट को वापसी कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने कल पता करा कि भाई साहब ऐसे ऐसे कोप ख़राब है, मैं सारे लगवाना चाहता हूँ, उसने बोला सचिन सारे नहीं लगा पाऊँगा मैं, आपको कोप ला के देने पड़ेंगे। भाई मैं क्यों लाऊं, जब मैं आपको 80 रुपये पर इंच के हिसाब से 40 इंच के पैसे दे रहा हूं, तो यार कोप भी आप ही लगाओगे ना, आप एक लगा के चला के दे दोगे, महीने बाद फिर ख़राब हो जाएगा, फिर महीने बाद ये हो जाएगा, तो यार मैं तो आपको 3-3 हज़ार रुपये ही देता रहूँगा बार बार। तो लास्ट में मैंने कस्टमर को बोल दिया कि सर मैं सेट वापसी कर रहा हूँ आपका, मुझे नहीं लगता इसमें कोप बाइंड कराने का कोई फ़ायदा है, मुझे लालच नहीं है, अभी मैं 1000 कमाऊँ 500 कमाऊँ, लेकिन मैं कस्टमर के पैसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, कस्टमर के पैसे मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि 3 महीने बाद कस्टमर फिर परेशान होएगा और फिर बोल देगा कि भाई उसमें तो फिर लाइन आ गई। अब मैं वो नहीं बोल सकता उसको कि मैंने तो ये कोप लगाया था उसमें तो दूसरे में आई है, बाइंडिंग वाले एक बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। तो मैं शर्मिंदा होने से अच्छा है कि मैं ये काम ही ना करूं, मैं ये कोप बाइंडिंग का काम ही ना करवा के दूं, कस्टमर को सेट वापसी कर दूं, नया पैनल लगवाए तो उसका दिल, लेकिन मैं इसको रिपेयर ही ना करूँ पैनल को, क्योंकि ये हाल होएगा ही होएगा इसका। खुद मशीन वाला बोल रहा है कि सचिन चलते ही नहीं है, 4-5 महीने चलेंगे, 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं चलते, तो फिर यार जब
जो ठीक कर रहा है वो ही मुझे बोलता है कि इतने ही दिन चलेंगे। और ये तो मेरी देखी हुई चीज़ है, मैं मार्केट से जितने भी पैनल आज तक ठीक करवा के लाया हूँ या मैंने यहाँ जितने भी नज़दीक में कराए हैं, सब में कमियाँ आई हैं यार। दो महीने बाद, एक महीने बाद कुछ तो ऐसे आए, मैंने काउंटर पर रखे, कस्टमर आया, भैया मेरा LED हो गया, करवा लाए? मैंने कहा हो गया भाई। और जैसे ही मैंने लगाया तो पता लगा एक लाइन झपकी मार रही है ऐसी पतली सी, वो कह रहे लाइन तो दिख रही है। मैंने कहा भाई चली जाएगी। अरे सचिन भाई बढ़ गई तो? मैंने कहा बढ़ गई तो आके अपने पैसे ले जाइए भाई। और बढ़ी है, गई नहीं है, वो दोबारा गई नहीं है। एक की जगह दो हुई हैं, दो की जगह तीन हुई हैं, ऐसे ही हुई है। जैसे मैं इसमें लुट के आया हूँ ना 3000 रुपये, आप भी लुट जाओगे अपने पैनल को रिपेयर करवाने के चक्कर में। उनका क्या है, लेफ्ट का डाला था मैंने तो, अब तो राइट में लाइन आ गई जी, लाइन के तो आपको पैसे ही देने पड़ेंगे फिर। मैंने तो कब डाला ही नहीं। भैया तूने डाला ही क्यों नहीं, जब पूरे पैनल के पैसे ले लिए तो डालता ना भाई। तो भाई सावधान हो जाओ, इस पैनल के मामले में ना लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि मैं हो चुका हूँ। मैंने कई कई पैनल अपनी जेब से भुगते हैं शुरू शुरू में, बाद में मेरी समझ में आ गया कि यार पैनल रिपेयर करवाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो एक दो ही महीना चलेगा। या तो ग्राहक से पहले ही कह दो कि एक दो महीना चलेगा जी, अपना सेट या बेचना चाहते हो बेच दो, या फिर एक दो महीने के लिए बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो कि पैनल रिपेयर लॉन्ग टर्म तक चलेगा, 3000 लगा के भी, 5000 लगा के भी, यार 65 इंच के सेट हैं, उससे भी बड़े सेट हैं, तो उनसे कितने पैसे लेते होंगे वो 8 से 10 हज़ार रुपये रिपेयरिंग के, और चले वो एक दो महीने ही, तो यार उसका पैसे लगाने का फ़ायदा क्या है? ग्राहक का पैसा तो कूड़े में जा रहा है ना, बर्बाद जा रहा है ना। ग्राहक का पैसा पैसा नहीं है क्या? जब एक कस्टमर के खर्चा बताया जाता है ना कस्टमर को कि इसमें 2000 लगेंगे, 3000 लगेंगे, तो उसकी सैलरी में से निकलता वो पैसा, उसके चक्कर आता है उसको कि यार 3000 रुपये LED में दूंगा, 7000-10000 तो उसकी सैलरी है, तो वो जैसे तैसे करके अपने बच्चों के लिए पैसे निकालता है वे, और कि चल बच्चे बाहर ना जाएं मेरे TV देखने और मैं TV ठीक करा लूं। यार सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने दिल अरमान तो मार के ही रखता है, तो फिर वो ठीक कराने देता मैकेनिक को, और मैकेनिक करे उसके साथ ये काम, ये खेल खेले, एक ही कोप लगवा के लाए, पूरे कोप के पैसे ले लेते हैं, लगाते एक ही हैं या दो ही हैं, तो क्या फ़ायदा है यार? मैकेनिक को ये काम छोड़ देना चाहिए, बोल देना चाहिए हम कोप नहीं लगवाएंगे भाई, नया पैनल डाल लेंगे, तेरा दिल हो ठीक है, नहीं तो नया सेट ले ले। ये कहानी मेरे साथ भी हो चुकी है। आज तक मैं मार्केट से, लाजपत राय मार्केट से, या अपने नज़दीक के सागरपुर से या मायापुरी से जितने भी पैनल ठीक कराए हैं आज तक, मेरे 99% पैनल या 100% ही मान लो, सब के सब खराब हुए हैं एक दो महीने के अंदर ही। अब ये देख लो, ये पैनल मैंने मार्केट से ठीक कराया था, लाजपत राय मार्केट से, और घर आते ही इसमें लाइन आ गई, घर आते ही इसमें लाइन आ गई थी सिंगल एक। मैंने फ़ोन किया भाई साहब, मैंने कहा आज पैनल ठीक करा के लाया था आपसे, और घर आते ही लाइन आ गई। तो बंदा क्या बोला कि भाई किस साइड आई है? मैंने कहा इस सीधे हाथ पे आई है। कह रहा मैंने तो उल्टे हाथ का कोप डाला था। मैंने कहा यार 3000 रुपये दे के आया हूँ भाई अभी तुझे, और 3000 में घर आने के बाद लाइन है, आप कह रहे मैंने ये डाला था और मैंने वो डाला था, इसका मतलब क्या है? मेरे 3000 रुपये गए? कह रहे सचिन भाई यार वो तो दूसरी साइड का लगाना पड़ेगा ना, आपके पैसे और लग जाएंगे, अब आप एक बार ला के दिखा दो 3000 रुपये, नहीं तो कम ले लेंगे। मैंने कहा तो भाई एक काम कर, LED रख ले ना मेरा, यार 3 तूने अभी ले लिए 2-4 घंटे पहले, अभी मैं घर पे आ रहा हूँ दूसरी साइड आ गई, आप कह रहे दूसरा कोप ख़राब हो गया होगा। तो यार जब मैंने पूरे पैनल के, ऑल पैनल के पैसे आपको दे दिए, 40 इंच के पैनल के मैंने पैसे दे दिए आपको, तो आप यार कैसे बोल सकते हो कि दूसरी साइड का ख़राब हो गया? पैसे तो सारे ही चले गए ना। मेरा 50 इंच का TV है यार, एक लाइन में 3000 रुपये लगाऊंगा ठीक हो जाएगा, फिर सालों साल चलेगा, तो भूल जाओ भाई, 2 महीने 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा आपका LED चलेगा ही नहीं। फिर आप पैसे लगाओगे या तो, या फिर LED को डाल दोगे कबाड़े में, नया लेके आओगे। तो भाई पहले ही ये काम कर लो, या तो नया पहले ले आओ या नया पैनल पहले ही लगवा लो लूटने से पहले, आपके पैसे बहुत कीमती हैं। जो कोप बाइंडिंग वाले समझते ही नहीं है पैसों की वैल्यू, के कस्टमर पैसे कहाँ से लाता है और वो अपना पेट काट के कैसे आप लोगों को पैसे देता है। बस उन्हें मतलब है मुर्गा आया काट लो, हलाल कर लो। कस्टमर को कोई कस्टमर समझे तब ना कस्टमर को समझा जाता है मुर्गा, फिर यही खेल खेलते रहोगे, नहीं तो यही होता रहेगा आपके साथ में, जो मेरे साथ हुआ है।
मेरे पास अभी भी 10 पैनल है कस्टमरों के, जिन्हें मैं करवा के लाया और चले कुछ नहीं, वहाँ भी पैसे दे आया बाउंडिंग मशीन पे, कस्टमर को भी पैसे रिटर्न कर दिए, और मुझे क्या मिला, पूरे दिन ठोकरे खाई, मार्केट में पड़ा रहा। एक गाड़ी करके ले जाओ, गाड़ी में डाल के ले जाओ, और उसके बाद पूरा दिन बर्बाद, और लास्ट में कस्टमर को पैसे वापसी, कोब वाले के वो वापसी देने वाला है नहीं, तो टोटल पैसा बर्बाद। तो भैया कोई भी कस्टमर ना फंसे इस चक्कर में, लाइनों को हटाने के चक्कर में, ये हटेंगी तो ये मान के चलो आपका टीवी एक महीना दो महीने तीन महीने ही चलेगा, फिर लाइन आनी ही आनी है, इधर ना आएगी तो इधर आ जाएगी, वहाँ नहीं आएगी तो यहाँ आ जाएगी, नहीं तो प्लेन रास्टर हो जाएगा, आपका टीवी बंद ही हो जाएगा, सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा। कारण कोफ, भ्रष्टाचार, और आपके साथ की गई जो भ्रष्टाचार है वो सब कोप के पैसे ले लिए, लगाया सिर्फ एक, और वो भी पुराना, कई बार तो पुराना लगाते हैं, बोलते हैं भैया नहीं हम नया लगाते हैं, भैया पुराना अगर आप नया लगाते हो तो आपके यहाँ हजारों 500 कोप की भट्टियाँ पड़ी हुई हैं, पुराने कोप पड़े हुए हैं, किस लिए पड़े हैं आपकी फैक्ट्री में, उनका क्या करते हो आप लोग, जब आप नए ही लगाते हो तो पुराना माल आपकी फैक्ट्री में क्यों पड़ा हुआ है, क्यों मार्केट से आप कबाड़ी बाज़ार से ख़रीद के लाते हो पुराने कोप और पुरानी स्केलर, तो सब टोटल पुराना ही करते हैं, रगड़ के लगा देते हैं, साफ़ करके लगा देते हैं, उसके बाद चले ना चले, एक महीना निकाल दे बस, उसके बाद तो इनका राज है। आप रोते रहो, कस्टमर रोता रहे, ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए है, ना कि किसी कोप वाले के खिलाफ, ना कि किसी मैकेनिक के खिलाफ। अगर कोप वाला ठीक से काम करेगा, मैकेनिक ठीक से काम करेगा, तो वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे।